तो दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था ना कि आजकल हम घर की चार दीवारी में फंसे हुए हैं। मतलब मजबूरी में है ना, अपनी खुशी से तो नहीं है ना। इतने दिन हो गए, लॉकडाउन हुए, कुछ लोग सेल्फ क्वारंटीन में हैं, तो इससे जो है पॉजिटिव रहने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि इस सारी बातों से हमारी इनसिक्योरिटी बढ़े, मन में अलग अलग विचार आते होंगे सब कि सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, ये मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनका सब ठीक, ये ठीक रहेंगे तो नहीं, मेरा परिवार छोटा है, अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है, अभी तो मैंने मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरी बहन की शादी नहीं हुई। मेरा सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके दिमाग में ये विचार चलते होंगे, इससे आपके मानसिक संतुलन और मेंटल बैलेंस के बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। उसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, कि आपको उदासी महसूस हो सकती है, समझ नहीं आ सकता, लगता है क्या होगा यार, इसका फ्यूचर का कहाँ जाएंगे हमारी, क्या होगा यार, ये मेरे वक्त पे ऐसा होना था जब मेरा कुछ होने वाला था लाइफ में। मतलब हर चीज़ जो है आपको घबराहट दिला सकती है, और जैसे ही ऐसा होना शुरू हो, घर के किसी सदस्य को, अपने किसी दोस्त को बिठा कर उससे बात करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव बातें करना शुरू, नॉर्मल बातें करना शुरू कर दीजिए, कोई भी बचपन की बातें शुरू करना कर दीजिए शुरू कर तो, और फिर या तो किसी को फ़ोन उठा लीजिए और उससे कुछ हंसते हुए बातें करें, कॉमेडी देखना शुरू कर दीजिए टीवी पर, कुछ भी, किसी तरीके से अपना ध्यान बांटना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो तो वो करिए जो मैं करता हूँ, मैं शीशे के आगे, अगर मतलब दोस्तों वोस्तों से बात नहीं हो रही तो शीशे के सामने खड़ा होकर कहता हूँ, सब ठीक होगा, फिक्र मत कर, चुप कर, सब ठीक होगा, ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, अनुपम खेर, बिट्टू, मिस्टर खेर, अनुपम, सब ठीक होगा, कहाँ से आया था, कहाँ तक पहुँचा है, ऑप्टिमिस्टिक रह, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, ए बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड मिस्टर खेर, सब ठीक होगा, चुप, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को डांटो, अपने आप को गुस्से हो जाओ अपने आप से, जैसे ही आप अपने आप से गुस्से होंगे, जैसे ही अपने आप को डांटना शुरू करेंगे, आपको हंसी आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेंटल बैलेंस बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ओके ओके, यू गॉट इट, गुड। क्या इतना ही हमारे, अरे मोदी साहब बोलते थे, हमने भी बोलना चाहिए इसको, तुम भी अपना परहेज कर ले, हम तेरे लिए दुआ करते, मैं कहती बहुत दुआ इसके लिए कि इतना परेशान हमारे लिए है ये, मैं भी इसके लिए बहुत परेशान हूँ, ये ठीक ठाक रहे, हमारा ऐसा मंत्री कहीं नहीं मिलेगा, सच्ची भगवान इसको इतना ठीक ठाक रखे, ये हमारे दुआ करता है, और यही मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे बहुत कुछ होता जब ये, और हाथ जोड़ के बोलता, हाथ कौन जोड़ता है दुनिया में, सच्ची पता नहीं कैसा लोग दुनिया में है, समझ ही नहीं आती है लोगों की। क्या इतना ये हमारे, अरे मोदी साहब बोलते थे, हमने भी बोलना चाहिए इसको, तुम भी अपना परहेज कर ले, हम तेरे लिए दुआ करते, मैं कहती बहुत दुआ इसके लिए कि इतना परेशान हमारे लिए है ये, मैं भी इसके लिए बहुत परेशान हूँ, ये ठीक ठाक रहे, हमारा ऐसा मंत्री कहीं नहीं मिलेगा, सच्ची भगवान इसको इतना ठीक ठाक रखे, ये हमारे दुआ करता है, और यही मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे बहुत कुछ होता जब ये, और हाथ जोड़ के बोलता, हाथ कौन जोड़ता है दुनिया में, सच्ची पता नहीं कैसा लोग दुनिया में है, समझ ही नहीं आती है लोगों की। दोस्तों, ये जो हैंड वॉश चैलेंज है ना, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है, सराहनीय है, ये जो भी हाथ धोने चाहिए, मगर ये चैलेंज तो हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने इंडिया में बचपन से देते थे, जब बेड पड़ेगी हाथ धो के आया कि नहीं, हाथ धो के आया तू कि नहीं, अपने हाथ धोए साबुन से धो के आया कि नहीं, कहीं नहीं धो के आया कि नहीं, साबुन से भी दोबारा धो के आया कि जूते उतार, बात जूते बाहर निकाल के आ, मैं तेरे को चपेट मारूंगा, तू तो हम तो ये करते ही आ रहे पर फिर भी आप लोग हाथ जरूर धोइए, आई जस्ट थॉट आई विल जस्ट चेयर यू अप अ लिटिल, हाथ जरूर धोइए, ओए हाथ धोए कि नहीं धोए, हाँ।